खबर मिर्जापुर से है। मिर्जापुर जिले के तोसवा गांव के प्राचीन शिव मंदिर में किया गया वार्षिक मेले का आयोजन। मिर्जापुर जिले के तोसवा गांव में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिक मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में जहां एक तरफ खाने पीने की दुकानें लगी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ बच्चों के खेलने के लिए खिलौने की दुकान भी, रेलगाड़ी, छोटे बड़े झूले मेले को और आकर्षित बना रहे हैं। यह शिव मंदिर लगभग 30 वर्ष पुराना है तथा काफी जर्जर अवस्था में भी है। यहाँ पर कभी भी कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। मंदिर की दीवारें टूटी हुई हैं, जिस कारण दर्शन पूजन करने वाले किसी भी श्रद्धालु के साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वहीं इस शिव मंदिर के समीप एक तालाब भी है, जिसके चारों तरफ बनी सीढ़ियाँ पूरी तरह से टूटी फूटी स्थिति में है। तालाब की सीढ़ियाँ बुरी तरह टूटी हुई हैं, जिससे कि तालाब तक पहुँचने में बहुत ही परेशानियाँ हो सकती हैं। इस तालाब की स्थिति भी बहुत ही जर्जर हालत में है। तालाब की सीढ़ियाँ जर्जर होकर टूट चुकी हैं, जिस कारण श्रद्धालुओं को तालाब के पानी तक पहुँचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस शिव मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। एक तरफ जहां श्रद्धालुओं की भीड़ लगी होती है, वहीं दूसरी तरफ छोटे छोटे बच्चों की भीड़ मेले देखते ही बनती है। मेले में लगे झूलों एवं खाने पीने की दुकानों पर बच्चों की लगातार भीड़ थी। इस मेले के संयोजक गांव के प्रधान कमलेश दुबे रहे। भरपूरा से अजय कुमार की रिपोर्ट। आइए, मैं आपको और दिखाता हूं। यहाँ पे जो मंदिर है बहुत ही विख्यात है, लेकिन यहाँ पे साफ सफाई का भी ध्यान धरा जाता है, लेकिन कम ध्यान धरा जाता है। देखिए इस तरफ से, देखिए मैं आपको दिखाता है, एकदम सारा बहुत सारा टूट गया है। यहाँ से देखिए टूट गया है, इधर देखिए लेना। कभी भी गिर सकता है मंदिर, इसमें कोई जनता के प्रति क्षति भी हो सकती है इसमें। आइए मैं आपको पोखरा दिखाता हूँ। यहाँ से जो प्रसिद्ध पोखरा है, नीचे एकदम पूरा जाओ। आइए, आइए देखिए यहाँ पे जो पानी है बहुत ही, इसमें तो गंदा हो गया, लेकिन ये पोखरा सूखता नहीं है। छठ बारह मास इसमें पानी रहता है, 12 महीने का 12 ही महीना पानी इसमें रहता है, पानी घटता नहीं है। हड़िया पीछे जरा जरा
कितना आउट कर ले।